अब ये थोड़ा सा रियल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है जिसमें मतलब नाउ सो गाइस इस वक्त बिग बॉस 17 से बहुत ही शॉकिंग न्यूज बाहर निकल कर आ रही है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर अंकिता लोखंडे के हस्बैंड विकी जैन का घर से एविक्शन हो चुका है। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस हफ्ते के नॉमिनेशन में विकी जैन का नाम भी शामिल था और दूसरे कंटेस्टेंट के मुकाबले में इनको सबसे कम वोट मिले हैं और वोटों की कमी के कारण इन्हें घर से एविक्ट कर दिया गया है। क्योंकि दूसरे कंटेस्टेंट के मुकाबले में अगर इनकी फैन फॉलोइंग देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं थी, इसलिए इनको बहुत कम वोट मिले। दोस्तों बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद इन्होंने अंदर की काफी सारी शॉकिंग बातें रिवील की है। गाइज यहाँ पर इन्होंने मुनव्वर फारूकी से रिलेटेड बात की कि मुनव्वर फारूकी के बारे में जिस तरह इस वक्त दुनिया को दिखाया जा रहा है मुनव्वर फारूकी रियल में वैसे नहीं है और सोशल मीडिया पर अंकिता और मुनव्वर फारूकी के रिश्ते को लेकर भी जो है बहुत सारी गलत फहमियां लोगों के बीच में आ रही है। लेकिन उन्होंने बताया है कि मुनव्वर और अंकिता सिर्फ फ्रेंड है। इसी के साथ साथ इन्होंने समर्थ, ईशा और अभिषेक के बारे में भी बताया है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जाते वक्त जो है अपनी वाइफ अंकिता लोखंडे से रिलेटेड जो है फैंस से अपील की है। जिया गाइस यहाँ पर इनका कहना है कि वो चाहते हैं कि अंकिता लोखंडे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो, सोशल मीडिया पर अंकिता लोखंडे को वोट किया जाए और उन्होंने मीडिया के सामने पब्लिक से डिमांड की है कि वो अंकिता लोखंडे को वोट करे। यहाँ पर इनका कहना है कि बिग बॉस के घर में ऐसे लोगों को सपोर्ट मिल रहा है जो डिजर्विंग नहीं है और जो पहले ही दिन से रियल बनते आए हैं उन्हें इतने वोट नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि घर से बाहर आने के बाद उन्होंने अभिषेक की फैन फॉलोइंग देखी तो वो हैरान हो गए कि अभिषेक जो है घर के अंदर इतना गलत दिखता है, अभिषेक घर में इतनी गलत हरकतें करता है लेकिन पर भी जो है इसे बाहर इतना सपोर्ट कैसे मिल रहा है, ये सब जानकर वो हैरान हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने पब्लिक से रिक्वेस्ट की है कि वो अंकिता लोखंडे को वोट करे और वो अंकिता लोखंडे को ही जिताए। विल दोस्तों यहाँ पर विकी जैन के इंटरव्यू पर आपका क्या रिएक्शन है हमें कॉमेंट करके जरूर बताना चाहते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।